Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Imladevi Public School. I am studying class 1st, subject EBS. In our last class, we discussed our chapter 10, Drops of Water, Pani ki Bundi. About this chapter, we discussed source of water. So, main source of water, humne kya bataya tha? Main source of water is rain. Pani ka jo mukhya srot hai, wo aapka rain hai. Then, other source of water is pond, lake, river, sea and oceans. These are the five sources of water. Then we discuss uses of water. पानी का use हम किस किस purpose के लिए करते हैं, कौन कौन से काम हैं जिसमें पानी जरूरी होता है. तो कौन कौन सा काम है आपका, drink, brush your teeth, take a bath, wash fruit and vegetable, cook food, wash utensils, wash clothes, grow plants and swim. These are the activity not done without water. ये ऐसे काम हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं ना. और इसके अलावा और कौन कौन से थे, आपने कौन कौन सा काम है जो पानी में करते हैं, पानी के थ्रू, कुक फूड खाना बनाने का काम, टू वॉश क्लॉथ कपड़े धोने का काम, टू ड्रिंक पीने के काम के लिए, एंड टू स्विम तैरने के लिए भी आप पानी का यूज़ करते हैं. टुडे वी डिस्कस सेव वाटर. सेव मीन्स बचाना, हमें पानी को बचाना चाहिए. कभी भी जो वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेट अस रीड अ पोएम. When there is a land all around and water is a between, be sure lake a pond will be seen. अगर आसपास पूरा ज़मीन दिखाई दे और बीच में बस आपको पानी दिखाई दे तो ये क्या होगा, या तो यह लेक होगा या आपका पौंड होगा. क्योंकि पौंड और लेक में क्या होता है, सेंटर में वाटर होता है और पूरे आउट साइड पर आपका ग्राउंड होता है. When the water फ्लो down the hills, it skivers and from the and forms a river. अगर पानी हमेशा बह रही है और किसी हिल से निकल के बह रही, मीन्स ये क्या है, बहता हुआ जो पानी है वो आपका होता है रिवर का, नदी का पानी हमेशा बहता रहता है ना. इट्स फ्लो एंड फ्लो अंटिल इट ज्वाइन द सी. और ये जो नदी का पानी तब तक बहते रहता है जब तक किसी समुद्र में जाके नहीं मिल जाए. But all this will not have their fill and we would be a pain until it's rain. ये सब में पर पानी कहाँ से आता है, इन सब में अगर पानी ना भरा तो हम सबको बहुत ही परेशानियाँ होंगी. इसलिए जो रेन है वो हमेशा आनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से ही तो तालाबों में, आपके झील है, रिवर और सी में पानी भरता है. We get water from river, lakes and ponds. Water from the this source reach us through pipes and tap in our homes. हम सबको जो पानी है वो तालाब से, झील से या नदी से मिलता है. नदी इन सब से, तालाब, नदी और झील से पानी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, पाइप्स के थ्रू या टैप. सबके घर में नल लगा होता है कि नहीं, नलों में जो पानी आता है वो कहाँ का पानी होता है ना, इन्हीं सब का पानी होता है. हाउ एवर दिस सोर्स ऑफ वाटर आर फ्यू, दैट इज़ वाई वी शुड यूज़ वाटर केयरफुली, वी शुड नॉट वेस्ट इट. ये जो पानी के जो स्रोत हैं वो बहुत ही कम है ना, इसलिए हमें पानी को बचा के रखना है. क्योंकि पानी के जीवा के बिना लाइफ है क्या, नहीं है. बिना पानी के आप एक दिन भी नहीं रह सकते. तो पानी नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है. इसलिए ये जो पानी के जितने भी सोर्स हैं ना, वाटर के सोर्स, उनको क्या करना है, हमें केयरफुली यूज़ करना है. हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है. लेट अस रीड सम वेज टू सेव आ वाटर. ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप पानी को बचा सकते हैं. फर्स्ट, यूज़ अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ. सबसे पहला काम है आपका, जब भी आप नहाएं तो बाल्टी और मग में पानी का यूज़ करें. सावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावर के पानी से क्या होता है, आप एक बार सावर ऑन कर दिए फिर पानी क्या है, वेस्ट होते रहता है. तो जब भी आप नहाते हैं तो आपको बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए. सेकंड, देखिए सेकंड पिक में क्या हो रहा है, यूज़ अ बकेट एंड स्पंज टू वॉश योर कार आ बाइक.
जब भी आप अपने कार को, साइकिल को, बाइसिकल को धोते हैं तो आपको मग और स्पंज से धोना चाहिए, ऐसे पाइप्स के थ्रू। अगर आप अपने कार को, अपने साइकिल को धोते हैं तो इससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। यूज़ बॉइल टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पहले कटोरे में पानी लेकर फिर उसमें सब्जियां डुबाकर धोनी चाहिए। आप ऐसे टैप ऑन करके फ्रूट्स या वेजिटेबल को वॉश करेंगे तो एक एक जो वेजिटेबल है उसको वॉश करने में बहुत सा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप फ्रूट या वेजिटेबल को वॉश करेंगे तब बाउल के थ्रू करना चाहिए। यूज़ वाटरिंग कैन टू वाटर अ प्लांट इंस्टेड ऑफ होस। आपको अगर पेड़ पौधों में पानी डालना है तो वाटर कैन का यूज़ करना चाहिए। पाइप के थ्रू आप एक्स्ट्रा पानी भी क्या कर देते हैं, वाटर में डाल देते हैं। राइट, थ्री थिंग्स यू कैन डू टू सेव वाटर। तीन चीज़ें बताइए जिससे कि आप पानी को बचा सकते हैं, बचाने में आपको हेल्प मिलेगा। फर्स्ट, यूज़ बकेट एंड मग टू बाथ। सबसे पहले नहाने के लिए बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। यूज़ अ बाउल टू वॉश अ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट या वेजिटेबल को वॉश करने के लिए हमेशा बाउल का यूज़ करना चाहिए। टिक द करेक्ट वे टू स्वे द वाटर इन टू सेट्स ऑफ इमेज। आपको दो इमेज दिए गए हैं तो इनमें से किस में पानी जो है सेव हो रहा है, क्या हमें पाइप के थ्रू अपने जो कार को वॉश करना चाहिए या स्पंज या बकेट में पानी लेके वॉश करना चाहिए। सेकंड पिक में है ना, हमें बकेट में पानी लेके स्पंज से अपने कार को वॉश करना चाहिए। सेकंड पिक में क्या हो रहा है, जब भी आप ब्रश करते हैं तो क्या टैप को ब्रश करना, जैसे स्टार्ट करते टैप ऑन करके छोड़ देना चाहिए, या जब यूज़ पड़ता है वाटर का तभी टैप को ऑन करना चाहिए। सेकंड है ना, ऐसे में तो आप जब तक ब्रश करेंगे तब तक पानी वेस्ट होते रहेगा, इससे वाटर वेस्ट होगा। तो वाटर सेव करने के लिए क्या करना है, आपको टैप ऑफ कर देना है, जब आपको यूज़ करना होगा तभी आप टैप को ऑन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 10, ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंप्लीटेड। ओके।